चेंजेस आती है तो आपको मैनुअली जाके चेंज उसमें राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो 50 या 15 नेटवर्क होंगे तो आप समझ सकते हैं कोई नेटवर्क डाउन हो गया तो वो तो राउटर को फिक्स करेगा और पैकेट करेगा। दो नेटवर्क और पांच राउटर, तो पांच राउटर में दो नेटवर्क तो नहीं हो सकते क्योंकि राउटर के बीच में तो नेटवर्क चल रहे होंगे। यहाँ पे भी तो यही है ना पांच हर राउटर के बीच में नेटवर्क चल रहा होगा तो वो अलग अलग होंगे। स्टैटिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इतने नेटवर्क कॉन्फिगर करने पड़ेंगे आपको, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो आप अगर टीम पांच में कर सकते हैं तो आप दस में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि आपने डेटा को कहाँ से मूव करवाना है। अब अगर मैं क्या करूँ, सही है, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको कनेक्ट कर दूँ, अब क्या होगा, क्या मसला होगा? ये असाइनमेंट है तुम लोगों का, सही है? अभी एक और नेटवर्क ऐड हो गया, नेटवर्क नंबर 6। अब क्या करेगा राउटर? लोड शेयरिंग। हाँ, लोड शेयरिंग। आप डिपेंड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पे कि वो 3.0 पे जाने के लिए कौन सा पाथ डिसाइड करता है। अब अगर इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो तो वो तो राउटर खुद ही कर लेगा, लेकिन आप अभी तो स्टैटिक पे है ना, तो आप डिसाइड करेंगे कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहां तक क्लियर है, समझ आ गया सबको? तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग फिर आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फिर आपको मसले आएंगे, सही? क्योंकि अगर ये मसला ये है कि आप तो यहाँ से करके बैठे हुए होगे नेटवर्क कि यहाँ से जाए, जबकि देखा जाए तो बेस्ट क्या है 3.0 पे जाने के लिए, क्या बेस्ट है 192.168.3.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ क्या है 172.16.3, यही है ना? क्योंकि इसमें जो है आपके कितने ऑप्शन है, दो, और इसमें क्या है सिंगल, तो बेस्ट तो ये। लेकिन क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको बताया हुआ है, बल्कि इसकी आईपी भी देते हैं यहां से 3.0 वाली आईपी भी देते हैं, ठीक है? ये अप हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3.2 पे भेज रहा हूँ। तो आपके हिसाब से बेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला, नीचे वाला। लेकिन राउटर कहाँ से पैकेट भेजेगा? क्योंकि उसको आपने बताया हुआ है कि 3.0 पे जाना हो तो कहाँ जाना है, आपने 172.16.1.0 वाले नेटवर्क को यूज करना है, तो ये हमेशा से 3.0 वही पाथ यूज करेगा। तो यहाँ पे आपके आगे स्टैटिक राउटिंग लिमिटेड हो जाती है, सही? फिर आप मैनुअली जाके क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब पे डायनेमिक के अंदर क्या होता है, फिर वो लर्न करता होता है प्रोटोकॉल खुद,
वो देखेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है थ्री को जाने के लिए, वो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट इस पाथ को सिलेक्ट करेगा। एग्जांपल बता रहा हूं आपको, लेकिन अगर ये पाथ किसी वजह से डाउन हो जाए, हो सकता है ना वायर कट जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा फिर वो इस रास्ते को यूज करेगा, आपके नेटवर्क को डाउन नहीं होने देगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि अगर ये नेटवर्क ये केबल यहां से डाउन हो जाए S010 तो ये क्या करेगा यहां पे कुछ भी नहीं करेगा, राउटर ने उसको गेटवे से वापस कर दिया क्योंकि उसके बाद कोई और पाथ अवेलेबल नहीं है। तो डायनेमिक में क्या फायदा है आपका कि वो लर्निंग डायनेमिक हो रही होती है, कोई अगर कनेक्टिविटी डाउन हुई तो जो बेस्ट अवेलेबल होगा वो उससे भेजेगा। हमने ये देखा ना राउटर का सेकंड फंक्शन क्या है कि बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, तो बेस्ट पाथ अगर ये था तो वो यहां से भेजेगा, अगर ये नहीं है तो फिर वो क्या करेगा इस पाथ को यूटिलाइज करेगा। जब हम डायनेमिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो कैसे करता है। सही, सिक्योरिटी क्या है हो सकता है, ये हो सकता है बाद में ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्लाउड चल रहा हो, चलो इसी को जिम कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि इस जगह पे कोई इसकी जगह पे कोई नेटवर्क इंटरनेट चल रहा हो। अब ये जो बैंडविड्थ है हो सकता है ये 10 एमबी की कनेक्टिविटी हो, तो उस पर डिसाइड करे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि यार ये मेरी 1 गीग की कनेक्शन है तो मेरा डेटा का फ्लो यहाँ से होना चाहिए 1 गीग से। सही, तो वो फिर मैनुअल डिसाइड करेगा। वो बाद में ऐसा होता है डायनेमिक राउटिंग चल रही होती है लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं स्टैटिक राउट देते हैं, क्योंकि स्टैटिक राउट की प्रेफरेंस क्या होती है हाई, हमने पढ़ा था ना क्या होती है 1 होती है ना, तो वो फिर वहां से वो डायनेमिक राउट को छोड़ के वो क्या सिलेक्ट करता है स्टैटिक, क्योंकि हमने इसको डेटा को वहां से भेजना है किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई चीज जो समझ नहीं आई हो? आगे आगे चले, क्या टाइम हो रहा है? 7:30। सात तेईस नहीं हो रहे? 7:24 क्यों टाइम? 7:24 नहीं हो रहा? 7:26 अच्छा इसमें मैं एक चीज कर रहा हूँ, सही, पहले वो मैं करता हूँ फिर पापा को समझाऊंगा। जब मैं चाह रहा था यार ये लैब अपने हाथ से कर लेते ना। यस सर, थोड़ी सी आगे की चीज़ है, फ्लोटिंग राउंड राउट पढ़ाना चाह रहा था मैं आपको ना, लेकिन ये लैब जो है ना आप खुद करें पहले ताकि पूरी समझ आ जाए आपको। अच्छा थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में और क्या चीज है आपकी? सही है, रीच रिमोट नेटवर्क मैनुअली डायनेमिकली सेटिंग आउट बता दिया मैंने। स्टब नेटवर्क, स्टब नेटवर्क क्या होता है? स्टब नेटवर्क क्या होता है?
आपके नेटवर्क पूरा जो नेटवर्क है यहाँ पे जाके एंड हो रहा हूँ, सही है? वो नेटवर्क क्या कहलाता है? स्टब नेटवर्क। इस तरीके से ये नेटवर्क की एग्जांपल दी है, सही? ये जो नेटवर्क है ये स्टब नेटवर्क है, क्योंकि इसके बाद मजीद कोई स्टाफ या कोई ब्रांच नेटवर्क की नहीं है। अब अगर इस नेटवर्क को कहीं जाना होगा तो उसके लिए क्या कौन से करना पड़ेगा? डिफॉल्ट राउट मैंने बताया था आपको, जैसे इंटरनेट हो या कोई और नेटवर्क हो, तो स्टब नेटवर्क क्या होगा? देयर इज नॉट नीड टू यूज अ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल टू रीच। यहाँ पे आपको कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके आगे और पीछे कोई नेटवर्क नहीं होता, सिर्फ एक ही नेटवर्क होता है जिससे कनेक्ट होता है। तो वहां पे आप क्या करते हैं? आप स्टैटिक राउट कॉन्फिगर करते हैं, क्योंकि एक ही पाथ अवेलेबल है, सही? तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि डिफॉल्ट राउट करवा देता हूं उसमें। इसी सिनेरियो के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अब ये क्या है? आपका स्टबी नेटवर्क है, नहीं है? ये भी क्या है? स्टब नेटवर्क है, और ये भी क्या है? ऐसा ही। तो मैंने यहां पे अगर तीन राउट डाले थे, मैंने कितने राउट डाले थे यहां पर? तीन। इसकी जगह मैं अगर एक राउट डाल दू तो ऐसा कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। कर सकता हूं। वो राउट कौन सा डालूंगा? मैं यहां पे डिफॉल्ट राउट डालूंगा, सही है? उसका मतलब क्या है कि तुम्हें, आप समझो क्यों, तुम्हें किसी भी नेटवर्क पे जाना हो, तुम क्या करो? ट्रैफिक को भेज दो उधर, किसी भी नेटवर्क। अभी बात किसकी हो रही है? किसी भी नेटवर्क की, ऑल नेटवर्क। तो तुम क्या कर दो उसको? ट्रैफिक को भेज दो यहां पे, सही है? इसको इस नेटवर्क का भी पता है और इस नेटवर्क का भी पता है। इसी तरीके से मैं इसको बताऊंगा यहां पे कि अगर तुमने किसी भी नेटवर्क पे जाना हो, क्योंकि ये क्या है? सभी नेटवर्क है, इसके पास और कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं है। तुमने किसी भी नेटवर्क पर जाना है तो क्या करो? ट्रैफिक को भेज दो इस जगह पे। इस राउटर को पता है तमाम नेटवर्क का, सही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये तीनों राउट क्या कर रहा हूं? मैं डिलीट कर रहा हूं। मैंने क्या किया? तीनों राउट को डिलीट कर दिया और मैं यहां पे एक राउट डाल रहा हूं। कि किसी भी नेटवर्क पे तुम्हें जाना हो अपने नेटवर्क से हटके, तो क्या करो? उसको फॉरवर्ड कर दो कहां पे? 172.16.1. अब जाओ नेक्स्ट हॉप पे, सही है? ये क्या मान करके मैंने डिफॉल्ट राउट, क्या आपने किसी भी नेटवर्क पे जाना हो आप उसको कहां भेजो? नेक्स्ट हॉप पे डाल दिया मैंने, सही? ये जब करूंगा मैं, जब मेरा ये नेटवर्क क्या होगा? स्टब नेटवर्क होगा, इसके बाद कोई नेटवर्क नहीं होगा, ये वहां पे चलेगा। क्योंकि अगर यहां पे एक और नेटवर्क होता जिस तरीके से मैंने यहां पे कनेक्ट किया था, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, सही है? या अगर बनती तो मेरा नेटवर्क मैच्योर नहीं होता। पॉसिबिलिटी कैसे बनी है? कि मेरा यहाँ पे और कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है, एक ही पॉइंट है बाहर एग्जिट होने का। तो मैंने बोला कि जो भी नेटवर्क पे जाना है उसको आप फॉरवर्ड कर दो इधर, यहां पे भी यही करना पड़ेगा मुझे।
ये कमांड बताई थी मैंने रास्ता आपको के शो रनिंग कॉन्फिग में अगर आपने कोई पर्टिकुलर कमांड्स अगर आपने व्यू करनी हो तो आप क्या करोगे इंक्लूड के साथ वो दे दोगे तो वो सर्च करके वो कमांड शो कर देगा। सही मैंने तीसरे राउंड को डिलीट किया और एक राउंड डाल दिया जो कि क्या है डिफॉल्ट राउंड। क्या आपको इस नेटवर्क के अलावा किसी भी नेटवर्क पर जाना हो तो आप क्या करो उसको यहां पे फॉरवर्ड कर दो। इस राउटर पे क्या करूंगा मैं डिफॉल्ट राउट डाल सकता हूं नहीं डाल सकता क्योंकि ये स्टब नेटवर्क नहीं है। अब इसको 3.2 पर जाना है ठीक है 3.2 APC 2 तो ये जैसे ही राउटर पे आएगा तो राउटर को पता है 3.2 आए 1.2 आए 172 आए कोई भी नेटवर्क आए इसको कहां फेंकना है आपने 1.1 तो ये क्या करेगा इसको यहां भेज देगा। अच्छा इस राउटर को तो पता है ना कि 3.0 कहां पे इसके तो राउटर केबल में मौजूद है अगर 3.0 का नेटवर्क आया तो उसको कहां पे भेजूं तो ये क्या करेगा इसको राउटिंग एस पर राउटिंग टेबल 3.0 को भेज देगा। अच्छा इसने क्या किया डिस्कार्ड कर दिया क्यों कर दिया भाई अच्छा वो यार की वजह से किया होगा सही तो ये आपके पास नेटवर्क चल रहा है और ये क्यों चल रहा है ये समझ आ गया बनाते इस वजह से हैं बनाते नहीं है ये तो कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना आपका इंटरनेट इंटरनेट आके आपके घर पे एंड हो रहा होगा सही है और आपके घर पे डिवाइस लगी होगी और आपका घर क्या होगा स्टब नेटवर्क होगा क्योंकि उसके बाद कोई नेटवर्क मजबूत नहीं है कोई आईएसपी के बाद आपका घर आईएसपी से पहले लाखों नेटवर्क चल रहे होंगे तो आपका जो नेटवर्क है अगर उसके ऊपर सारे राउट डाल दूं मैं सारे राउट जो भी इंटरनेट पे चल रहे हैं वो सारे नेटवर्क डाल दूं तो आपका राउटर तो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे तो इससे क्या होगा राउटिंग ओवरहेड कम हो जाता है आपका आपके राउटर पे सिर्फ एक राउट चलेगा जो कि क्या होगा डिफॉल्ट राउट कि आपको अपने नेटवर्क से हटके जिधर भी जाना है आप क्या भेजो उसको आईएसपी का जो नेक्स्ट आईपी होगा ना नेक्स्ट हॉप आप उसको भेज दो वो फिर जो राउटिंग टेबल्स मेंटेन हो रहे होंगे वो आईएसपी पे हो रहे होंगे इस तरीके से इसको जिम कर लो कि ये आईएसपी है तो इसने जो है वो सबके राउट रखे हैं अपने पास 2.0 भी रखा हुआ है 3.0 भी रखा हुआ है और अपने इसके तीन और भी चल रहे हैं लेकिन इस नेटवर्क के ऊपर तीन राउट थे इसको मैंने करके क्या किया एक राउट डाल दिया तो मैंने राउटिंग ओवरहेड जो थे प्रोसेसिंग जो थी उसको रिड्यूस कर दिया बिल्कुल। अगर यहाँ मेरे 50 नेटवर्क चल रहे होते तो मेरे 50 राउट की जगह सिर्फ एक राउट आ जाता डिफॉल्ट राउट समझ रहे और अगर यहाँ पे कोई इंटरनेट चल रहा होता इस जगह पे तो भी मुझे एक ही राउट से उसको भी एक्सेस कर लेता मैं समझ रहे तो मैंने अपने क्या किया राउटर की प्रोसेसिंग बचाई इस वजह से ये स्टब ही नेटवर्क होते ना आपके क्योंकि इसके बाद कोई नेटवर्क नहीं होता और इसीलिए वहां पे आपके पास एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है आप बोलते हैं यार ये राउटर है जबकि वो उसमें राउटर की सिर्फ एक या दो मंथ गारंटी होती है कि वो नेटिंग कर रहा होता है
और दूसरा ये कि वो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हुआ हुआ होता है, इसलिए वो उससे काम चल जाता है, वरना तो फिर आप तो लाखों रुपए की हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वो एक ही आपका राउट है, वो उसको आराम से मैनेज कर लेता है। आपको और मजीद इंटरनेट को कनेक्ट हुआ है, आपको इंटरनेट में जाना है तो फिर आप दे सकते हैं, सही। लेकिन जैसे मैंने बताया सिनेरियो ये कि मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो ये स्टब नेटवर्क नहीं है, इस राउटर के लिए एक नेटवर्क ये भी चल रहा है। और जब डिफॉल्ट आउट अगर किया हुआ या नहीं किया हुआ आप किस तरह चेक करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या आया, एक राउट आ गया गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, ये आईपी आ गई तमाम नेटवर्क के लिए। तो आपको यहाँ से आइडिया होता है कि इस राउटर पे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हुआ हुआ या नहीं हुआ। अब इस राउटर को पता है कि मुझे किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो मैं क्या करूँ, 1.1 पे भेज देता हूँ। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे मेरे पास ये भी कनेक्ट होता और इंटरनेट यहाँ पे किसी पोर्ट से यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ होता, तो मुझे फिर बाहर जाने के लिए ये राउट बताना पड़ता कि आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो आप यहाँ से चले जाएं, बाकी नेटवर्क के लिए आप उसको यूज करते हो। तो फिर स्टब नेटवर्क नहीं होता, नहीं होता ना स्टब नेटवर्क, लेकिन मैंने इंटरनेट पे तो जाना था ना, तो डिफॉल्ट राउट तो मुझे देना पड़ेगा, सारे राउट तो नहीं दूंगा मैं, सही। तो फिर डिफॉल्ट राउट इसके लिए ये हो जाता, इसके लिए ये हो जाता, इसके लिए ये हो जाता, इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, वो फिर बाद की बात है, हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे डायनेमिक्स में, ठीक है। अभी आप सिर्फ जी